अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग जो है वो डाटा व्यू कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वो दो वीडियो नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बना हुआ आ रहा होगा, पहले आप वो जाके देख लें, उसके बाद आप मेरी आज की वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है वो डाटा डिलीट करते हैं। डाटा बेस से भी डिलीट हो जाएगा और आपके फ्रंट एंड पर जैसे बटन प्रेस करेंगे तो डाटा आपके सामने से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूँ लेक्चर नंबर 8 में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था, काम देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वीडियो आप लोग के पास ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मरतबा, यही काम हम लोगों ने आज करना है, इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। आप लोग देख सकते हैं मैंने लेक्चर 9 के नाम से मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना ली है, ठीक है। आपने न्यू फाइल बनानी है और क्या करना है कि लेक्चर 8 का पूरा कोड कॉपी करके आप लोगों ने लेक्चर 9 में कर लेना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास सेपरेट फाइल रहे कि इस फाइल में क्या हो रहा है। तो मैंने भी यही काम किया है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा कोड यहाँ पर वही है, ठीक है। मैं आप लोग जूम करके दिखा दूँ, ये देख सकते हैं कि लेक्चर 9, ठीक है, और ये पूरा कोड वही है यहाँ पर। अब इसमें जो चेंज करना है वो हमें क्या करना है, हमने जो है वो डिलीट करना है डाटा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लास्ट में लेक्चर नंबर 8 में क्या था हमारे पास, ठीक है। तो 8 में हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा था, अब हम यहाँ 9 पे काम करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो डिलीट के बटन यहाँ ऐड हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, डाटा जो है वो डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सब कुछ वही रहेगा प्रोसीजर। आपने यहाँ पर आके करना क्या है, पहले हम लोगों ने जेंडर इमेज ऐड की थी हम लोगों ने, ठीक है। इमेज के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक कॉलम ऐड कर देना है एक्शन, यानी एक्शन मतलब क्या है मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पे आप देखें कि लास्ट जो है वो जेंडर इमेज आ रहा था, यहाँ पे कोई कॉलम यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो है वो एक्शन लगा के यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिलीट करना है, तो जैसे हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से वाला काम करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक बटन वो है एक्शन का यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब पूरा काम वही हमारा रहेगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने एक कॉल ले लिया TD, ठीक है, ये हेडिंग के लिए होता है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने आईडी पास करनी है, ठीक है। जो डेटाबेस में मेरे पास आईडी है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप ये देख सकते हैं कि डेटाबेस में, ठीक है, ये मेरा है डेटाबेस नेम, ये मेरा टेबल नेम। टेबल नेम के अंदर जो है मेरा क्योंकि आईडी डिलीट करनी होती है, तो वो हमें जो भी एम्प्लॉय का डाटा वगैरह डिलीट करना होता है तो वो हम आईडी के जरिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि आईडी होती है यूनिक, कोई भी यूनिक चीज़ होती है तो उससे हम करते हैं डिलीट। क्योंकि अगर हम लेट्स सपोज नेम, पासपोर्ट, ईमेल के अगर डिलीट करते हैं तो माइट पॉसिबल है किसी और का डाटा भी डिलीट हो जाता है, इसलिए हम जो है वो आईडी के जरिए हमेशा जो है वो डिलीट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे टेबल का नाम जो यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर, हम चलते हैं यहीं पर, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक लिंक लगाना है, ठीक है। जैसे बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, उसके लिए हम लोग HRF का टैग यूज़ करते हैं, लिंक के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। बटन के बीच में हम लोगों ने इस लिंक को डाल दिया है, ठीक है। इतना काम हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनानी है, एक हम लोगों ने लेक्चर 9a.php 9b.php, ठीक है। अगर यहाँ पर बंदा क्लिक करे तो यहाँ चले जाए लेक्चर 9b.php, यानी कि अगले पेज पर चला जाए। तो हमने क्या किया, कोई भी यूज़र बटन पर क्लिक करता है डिलीट के तो वो उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो हमने एक फाइल बना ली इस नाम से, ठीक है, वो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपने बना ली, यहाँ पे हम अभी काम करके मैं आप लोग ऐड करता हूँ कि सर हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमने ऊपर काम किया था हमने उसको यहाँ पर लगाना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वेरिएबल में, ये वेरिएबल बनाया मैंने आइडिया कुछ भी नाम इसका रख लें यहाँ पर, और करना क्या हमने ऊपर जो हमने अलग काम किया था ये इको वाली आईडी, इसको उठा के हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है। आप चाहें तो पूरा यहाँ से उठा के जो है पूरा ये यहाँ पे नीचे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको इस पूरी वैल्यू को यहाँ आईडी में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो इसी आईडी को मैं नीचे जाके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इको प्रिंट कर दिया मैंने, और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमने आईडी पास करवा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना काम करना है, और आप हम चलते हैं लेक्चर 9B की तरफ। इसमें क्या करना है हम लोगों ने, करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड यूज़ किया हम लोगों ने, आईडी किया हमने, आईडी पास करवानी है, ठीक है। आईडी पास करवाया, इसको हमने एक वेरिएबल स्टोर कर लिया एम्प्लॉय आईडी के, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय आईडी स्टोर कर लिया हम लोगों ने। अगर मैं इसको चला के देखूँ, अगर मैं इसको एक मतलब कमेंट कर दूँ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी पास करवाया मैं लेक्चर 9B अनडिफाइंड एरे की आईडी, इसको देख लेते हैं क्या इशू है। तो यहाँ पर इशू ये हो रहा है कि मैंने वेरिएबल जो है वो दो मरतबा दिए हुए हैं, यानी आईडी नेम के मैंने वेरिएबल दो मरतबा दिए हुए हैं, जहाँ पे मुझे वेरिएबल चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दूंगा डिलीट आईडी,
तो यहाँ पर भी मैं जाके चेंज कर लूँगा डिलीट आईडी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मैंने वेरिएबल दिए हुए, तो इस वजह से कॉम्प्लीट कर रहा था ये। ठीक है, तो ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, हम कर देंगे इको इको, इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने से क्या होगा, जो आईडीओ में वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पर शो हो जाएगी, यानी कि लेक्चर नंबर 9B में शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नेम उमर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। तो मैं डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखें उसकी आईडी यहाँ लिखी हुई है कि 2 आईडी थी, लेकिन यहाँ पर भी आईडी इसकी पास हो गई है। ठीक है, वेरिएबल नेम के अंदर आईडी पास हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आधा काम हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने जो है वो डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना है और सारा काम यहाँ कर लेना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे माई एसक्यूएल लोकल होस्ट रूट। ठीक है, डेटाबेस की होगी क्यूरी है। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोगों ने क्या करना है, एसक्यूएल क्यूरी। अब हम लोगों ने आप लोग चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर हम लोग ने करना है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, पहले था सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, अब यहाँ पे डिलीट फ्रॉम किसमें से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हमारा टेबल नेम है। यहाँ पे आप जाकर देखें यहाँ पे हम लोग का टेबल नेम क्या ही है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है यहाँ पे, तो यही कि हम लोगों ने डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अच्छा, अगर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे सब कुछ पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है वेयर एम्प्लॉय आईडी। अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सकते हैं आप लोग वेयर एम्प्लॉय आईडी। इस टेबल में जो है एम्प्लॉय के अंदर जो हमारे पास कॉलम है एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से डिलीट कर दो आईडी को। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये हो गया वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी कौन सी वाली, ये और ये किसमें है, इसमें, और ये किसमें थी पीछे वाले फाइल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पास करवा ली। फिर हमने क्या किया, रिजल्ट बेसिकल टू मैथ स्क्वायर थ्योरी कनेक्शन स्क्वायर जो हम लास्ट टाइम काम किया था वो हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। और इसके अलावा हम लोग क्या किया, इसको इफ और एल्स कंडीशन में लगा दिया, अगर डाटा डिलीट हो जाए तो लिखा हुआ आ जाए डाटा डिलीट, और अगर डाटा फेल हो जाए तो लिखा हुआ आ जाए डाटा फेल। ठीक है, तो पहले काम हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोग आए, हम लोग को था लेक्चर नंबर 9A। ठीक है, 9A में हम लोग अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पहले फील्ड जो है वो उमर है, देख सकते हैं यहाँ उमर है, इसकी आईडी देख ले 2 है, मुझे डिलीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा आप देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक किया, देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डेटा डिलीट। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बंद करूँ कि हम लोग काम हो चुका है। ठीक है, यहाँ आईडी प्रिंट कर रहा था, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ से 2 गायब हो चुका है। हम लोग सिर्फ चेक करने के लिए चेक करते हैं कि आईडी पास हो रही है नहीं, डाटा डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं पीछे आऊँ तो देखें यहाँ से, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ से उमर गायब हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं अपने डेटा बेस में आऊँ तो देखें यहाँ पर जो है फील्ड, देखें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 यहाँ में लिखी हुई है। ठीक है, उमर यहाँ लिखा हुआ है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखिएगा, तो देखें यहाँ से एम्प्लॉय आईडी 2 डिलीट हो चुकी है, विच इज़ उमर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो अपना डेटाबेस में से डाटा डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग नोट किया होगा मैं डाटा डिलीट कर रहा हूँ तो वो नेक्स्ट पेज पर जा रहा है, हम लोगों ने क्या करना होता है कि वो डाटा डिलीट करे तो वो उसी पेज पर ही आ जाए वापस। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये कमांड, इस्तेमाल करते हैं हेडर लोकेशन और फाइल का नाम। ठीक है, हेडर लोकेशन कॉलन और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या, lecture9a.php। ठीक है, तो लेक्चर बी में हम लोगों ने डिलीट की क्यूरी लगाई और हम लोगों ने क्या कर दिया, लेक्चर ए में पास कर दिया, यानी कि वो उसी पेज पे चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, इको को कमेंट कर देता हूँ। अब अगर क्यूरी परफॉर्म होगी तो वो मुझे उस पेज पे ले जाएगा, और अगर नहीं होगी तो लिखा हुआ आ जाएगा डाटा फेल्ड। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, मैंने इसको यहाँ रिफ्रेश किया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं रऊफ़ की जो आईडी है वो 6 है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, मैं डिलीट करता हूँ इस पर। ठीक है, देखिए उसी पेज पे आ गया, मैं lecture8 पे आ गया, और डाटा बेस से मेरा डाटा भी डिलीट हो चुका है। अगर मैं आपको ले चलूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं employee6 और employee8 है आईडी नंबर, आप देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं। अब हमारी लास्ट वीडियो रह गई है, हम डाटा अपडेट किस तरीके से करते हैं तो वो हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।